फाइबर टू द होम या FTTH की हम बात करते हैं तो FTTH क्या है? एक ऐसी तकनीकी, ये टेक्नोलॉजी FTTH क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी जिसमें प्रकाशी तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल को केंद्रीय बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट से उपयोगकर्ता यूजर के ऑफिस, कहां तक? उसके ऑफिस की हम बात करते हैं, ऑफिस या घर या हाउस तक पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है? FTTS एक टेक्नोलॉजी है। FTTS निर्बाध यानी अनइंटरप्टेड उच्च गति हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं FTTS की, ये विश्वसनीय है, रिलायबल है और इसको हम मापनीय यानी स्केलेबल, ठीक है, मापनीय स्केलेबल और सुरक्षित यानी सिक्योर है। FTTS द्वारा 100 Mbps गति यानी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। अगर FTTS टेक्नोलॉजी की बात करें तो 100 Mbps की स्पीड से हम इंटरनेट सेवा दे सकते हैं। अभी तक हमने तार की बात किया यानी वायर से, अब हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम की यानी बिना तार के। तो अब जो शुरुआत में हम लोग तार से ही काम करते थे लेकिन बाद में तार को हटा दिया गया, ठीक। तो बेतार संचार के माध्यमों के द्वारा डेटा तथा सूचना तरंगों यानी वेव्स के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचाई जाती है। इस तकनीक में रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स तथा अवरक्त किरणों यानी हम इंफ्रारेड रेस का उपयोग करके कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित कर डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। आगे हम इसको और देखते हैं डिटेल में। तो दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की हम बात करें, अभी तक हमने देखा क्या देखा कि इंफ्रारेड की हम लोग बात करें, रेडियो वेव्स की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग अब बात करते हैं सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स की बात करें। तो माइक्रोवेव्स क्या है? सूक्ष्म तरंग। माइक्रो का मतलब भी होता है छोटा और वेव्स का मतलब तरंग होता है, तो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग एक प्रकार की रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स है जिसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च हाई होती है। यह तरंग विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। यह क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। और सूक्ष्म तरंग की बात करें, माइक्रोवेव की आवृत्ति की परास आपका 300 MHz से लेकर आपका 3 GHz तक होता है। कितना ज्यादा इसी रेंज है। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, उच्च होने कारण इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। अतः प्रेषक यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर दोनों ही छोटे शॉर्ट पैराबोलिक एंटीना का उपयोग करते हैं। इसमें जो यूज होता है क्या होता है? पैराबोलिक एंटीना का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव एक दिशी का मतलब क्या होता है? एक दिशा में, जैसे कि हमने बात किया था ना, एक दिशी में जैसे आपका होता है यूनिडायरेक्शनल की हम लोग बात कर रहे थे, एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल होता है जिसमें भेजने यानी सेंडिंग और प्राप्त करने यानी रिसीविंग वाले एंटीनास यानी संरेखित अलाइंड होने चाहिए, दोनों एक ही क्रम में होने चाहिए। अगर हम सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव की बात करें का व्यापक प्रयोग बिंदु से बिंदु संचार यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में होता है। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसलिए प्रत्येक एंटीना अगले एंटीना की दृश्य रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के भीतर होने चाहिए, यानी उसी के सीधे चलती है तो उसके अंदर होगी तभी वो उसको अटैच कर पाएगा। तो सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव माध्यम द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। माइक्रोवेव द्वारा जो हम लोग टेलीविजन का प्रसारण होता है वो किसके द्वारा होता है? माइक्रोवेव सिग्नल्स के द्वारा होता है। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करें तो माध्यम द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। पता है कि टेलीविजन हम लोग जो सिग्नल आते हैं उसमें माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव अवरोधों इन ऑब्स्टकल को भेद नहीं सकते, यानी अगर उसके अंदर कोई अवरोध आ जाए ऑब्स्टकल आ जाए तो उसको भेद नहीं सकता। आप देखते ना, अगर आप बादल हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है तो जैसे टीवी सिग्नल्स खराब आने लगते हैं, टीवी ठीक से नहीं आती, तो जब प्रॉब्लम आती है तो हमने देखा सूक्ष्म तरंग अवरोध को भेद नहीं सकती यानी ऑब्स्टकल आने पे उसको भेद देती है। इसका प्रयोग छोटी दूरी के लिए किया जाता है। किसकी? छोटी दूरी के लिए हम लोग करते हैं। प्रत्येक 25 से लेकर 30 किलोमीटर दूरी के मध्य एक रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर 25 से 30 मीटर के बीच में एक रिपीटर जरूर चाहिए होगा।
उपयोग की बात करें तो उपयोग हमने देखा कि सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव का उपयोग उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रडार में, रिमोट संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग में, और नेविगेशन दिशा निर्देश। आजकल आप लोग गूगल मैप से GPRS से यूज़ करते होंगे, हमें जाना है भाई होटल कान्हा श्याम जाना है तो कटरा में कहाँ है तो पूरा मोड बताता है। वो क्या है, वो जो नेविगेशन होता है सब इसी सिग्नल पे आधारित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।